ओके, दो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है हमारे पास मजीद, जो सी शार्प और इसी तरह से जो इसमें से एक कीवर्ड है वो हम नॉर्मली सी में भी इस्तेमाल करते हैं या सी प्लस प्लस में भी इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक है कॉन्स्टेंट जिसको हम सी ओ एन एस टी लिखते हैं, और इसी तरह एक है रीड ऑनली। ठीक है, तो इनको हम समझते हैं कि ये क्या और क्यों वर्क, किस तरह से हम इससे काम लेते हैं। तो एज अ नेम सजेस्ट कि कॉन्स्टेंट हम एक ऐसी वैल्यू को डिफाइन करना चाहते हैं जो हम इस एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फर्दर आगे मूव ना हो, इसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके अंदर जो आप यूनिट्स कन्वर्जन है आपकी, ठीक है, यानी आप सेंटीमीटर और मीटर को चेंज करना चाह रहे हो, तो आप जानते हो कि उसकी जो कन्वर्जन है वो कॉन्स्टेंट स्टाइल के साथ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर इसकी कन्वर्जन करें और किसी और कंट्री में जाके करें तो उसकी कन्वर्जन चेंज होगी। ठीक है ना, इसी तरह एरिया का जो फार्मूला है उस फार्मूले में चेंजेस नहीं आ सकती, उसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन उसके फार्मूला का जो लिखने का तरीका पैटर्न है वो चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो कॉन्स्टेंट है और आप श्योरिटी रखते हैं कि उसमें चेंजेस नहीं आती हैं, तो इसके लिए जब हम कॉन्स्टेंट वैल्यू यूज़ करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सी ओ एस टी इस्तेमाल करते हैं। कैसे, तो इस क्लास मेन क्लास में मैं मौजूद हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्टेंट इंटीजर ए इक्वल टू समथिंग वैल्यू। ठीक है, मैंने ये वैल्यू लिख दी, और ये वैल्यू लिखने के बाद मैं चाहूँ तो अपने मेन मेथड के अंदर इसे विजिबल करवा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ए लिखा, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एफ फाइव किया। ठीक है, सिंपल तरीके से, और आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। अब दूसरी अहम बात यह है कि क्या मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, तो क्योंकि मैंने क्लास पे ये चीज़ मेंशन की हुई है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ ए इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, ऊपर ऑल दो ये कॉन्स्टेंट है, तो आप देख रहे हो जैसे मैंने इसको डिफाइन किया तो ये क्या कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट मस्ट बी अ वेरिएबल प्रॉपर्टी और इंडेक्सर। तो यहाँ पर इस वेरिएबल को ये इंडिकेट ही नहीं कर रहा है कि आपने ये वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, वो ये समझ रहा है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल आपने ऊपर यूज़ किया है वो कॉन्स्टेंट एक दफ़ा डिफाइन हो चुकी है, आप उसको दोबारा से इनिशलाइज या फिर डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक दफ़ा मैंने डिफाइन कर दिया है यहाँ पर, ऑल दो वो अलग बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करें, इनिशलाइज कहीं और पे कर दें, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन आप एक ही दफ़ा उस चीज़ को करेंगे, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आएगी कि हम कॉन्स्टेंट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, किस वक्त कर रहे हैं, और कब उसकी कन्वर्जन होगी, चेंजेस होगी, और किस तरह से होगी, वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब बात होती है रीड ऑनली की। तो रीड ऑनली के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि ऐसी चेंजेस या ऐसी कॉन्स्टेंट वैल्यू जो आप चाहते हो कि आपके क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉन्स्टेंट वैल्यू सप्लाई, तो उसके लिए आप रीड ऑनली का इस्तेमाल करते हो। कैसे, तो मैं एक सेपरेट क्लास बनाता हूँ, यहाँ पर क्लास का नाम ए रखते हैं, ए के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रीड ऑनली। तो मैंने लिखा रीड ऑनली इंटीजर बी इक्वल टू, ओनली बी लिख दिया मैंने यहाँ पर। कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के लिए लिखा मैंने पब्लिक इंटीजर, नॉट इंटीजर ओनली ए, बॉडी बनाई मैंने, और बॉडी बनाने के बाद मैंने यहाँ लिखा दिस डॉट बी इक्वल टू समथिंग वैल्यू। तो एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं यहाँ पर, इसके बराबर मैंने इसको कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहीं पर इसकी वैल्यू को क्या कराना है, डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया बी। ओके, और उसके बाद हमने यहाँ पर, ऑल दो आप नीचे मेथड बनाकर बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, रीड ऑनली को यहाँ पर पास किया है, और पास करने के बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर उसकी वैल्यू को विजिबल करवा दिया। लिहाजा अब मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊँगा क्योंकि मैंने कोई मैथड तो बनाया नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ए के नाम से, ओ बी जे इक्वल टू न्यू ए स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा तो मुझे कंस्ट्रक्टर की वो वैल्यू रिक्वायर्ड है जो आपने रीड ऑनली के लिए देना है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया 45 देने के बाद हम जूम आउट करते हैं, और इस कॉन्स्टेंट को भी मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि वो चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, अभी हमारा फोकस रीड ऑनली पर है। तो कंट्रोल एफ फाइव किया मैंने, और इसकी वैल्यू यहाँ पर उस बिहाफ पर भी प्रिंट हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये बात हमें समझ में आती है कि जो वैल्यू आपने एक दफ़ा कंस्ट्रक्टर में पास की है वो वैल्यू बार बार चेंज नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ रीड के लिए, यानी उसको पढ़ा जा सकता है, उसमें चेंजेस नहीं की जा सकती। जो काम आप फंक्शन के बाहर या अंदर कर रहे होते हो वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट के ज़रिए से ही मुमकिन है, रीड ऑनली नॉर्मली हम मेथड के बाहर ही लिख रहे होते हैं। तो वर्किंग दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही कॉन्स्टेंट वैल्यू को हैंडल करता है, लेकिन चेंजेस इसमें ये है कि कॉन्स्टेंट हम इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब आपकी ये श्योरिटी होती है
कि वैल्यू किसी भी फॉर्म पर चेंज नहीं होती। और रीड ओनली का इस्तेमाल हम क्लास में उस वक्त करते हैं जब आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू कोई ऐसी कॉन्स्टेंट वैल्यू चाहते हैं जो फर्दर क्लास के बिहाफ पर उस पर चेंजेस ना हो सके। अब हम एक इमेज के थ्रू इनकी दोनों के दरमियान डिफरेंस देख लेंगे तो और भी बेहतर तरीके से बात हमें क्लियर हो जाएगी कि दोनों में क्या चेंजेस हैं। लेट्स सी, थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहां से हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीड ऑनली में, तो ये लिखा हुआ है रीड ऑनली के हवाले से कि रीड ऑनली के अंदर फील्ड कैन बी क्रिएटेड यूजिंग रीड ऑनली कीवर्ड। हमने देखा कि जब भी हम कोई कॉन्स्टेंट बनाना चाह रहे हैं तो रीड ऑनली के जरिए से बना रहे हैं, कीवर्ड लिखा हमने, जबकि कॉन्स्टेंट बनाने के लिए हम कीवर्ड क्या लिख रहे हैं, सी ओ एन एस टी, और यही हमने किया। दूसरे पॉइंट पे बताया जा रहा है कि रीड ऑनली जो है वो हमारा रन टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कंपाइल टाइम और रन टाइम के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं सेपरेट सेशन। तो रीड ऑनली जो कॉन्स्टेंट काम कर रहा है वो रन टाइम पे कर रहा है, यानी जब आपका प्रोजेक्ट रनिंग स्टेज पर जाएगा जब उसे पता चलेगी कि जो वैल्यू प्रोवाइड की गई है ऑब्जेक्ट के अंदर वो हमारी कौन सी है, कॉन्स्टेंट रीड ऑनली है। जबकि कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो कंपाइल टाइम है, यानी जैसे ही आपने अपने आईडीई पे यानी विजुअल स्टूडियो पे लिखा कि कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो हमारे कंपाइलर को पता चल गया कि ये वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, इट कैन नॉट बी चेंज फर्दर। द वैल्यू ऑफ रीड ऑनली फील्ड कैन बी चेंज, तो रीड ऑनली के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है वो चेंज की जा सकती है, कैसे, साइड सी बात है, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा मैं 45 को चेंज कर दूंगा, लेकिन जो वैल्यू कॉन्स्टेंट फील्ड पे लिखी गई है वो दोबारा चेंज नहीं की जा सकती, जैसे हमने मेन मेथड पे जाकर भी देखा था जब मैंने वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की थी, वेरिएबल का नाम लिखा था। तो आगे बताया जा रहा है इट कैन नॉट बी डिक्लेयर इनसाइड द मेथड, यानी एक मेथड के अंदर मैं रीड ऑनली को डिफाइन नहीं कर सकता, यही वजह है कि हमने क्लास के अंदर किया है, कंस्ट्रक्टर के बाहर किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम मेथड के अंदर नहीं कर सकते, लेकिन आप कॉन्स्टेंट को मेथड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली इन रीड ऑनली फील्ड वी कैन असाइन वैल्यू इन डिक्लेरेशन एंड इन कंस्ट्रक्टर पार्ट, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर का पार्ट है इसी तरह जो हमारे असाइन का पार्ट है उसके अंदर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट को सिर्फ और सिर्फ हम डिक्लेयर कर सकते हैं, उस पार्ट के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। लास्ट पार्ट पे बताया जा रहा है इट कैन बी यूज्ड विद स्टैटिक मॉडिफायर, आप रीड ऑनली को स्टैटिक मॉडिफायर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी यूज्ड विद स्टैटिक मॉडिफायर, हम कॉन्स्टेंट को स्टैटिक मॉडिफायर के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन ब्रीफली अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो ये दोनों ही क्या हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जब आप कॉन्स्टेंट कीवर्ड के साथ कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं तो वो कंपाइल टाइम होता है, और रीड ऑनली करते हैं तो वो रन टाइम होता है, यानी जब आपका कंपाइलर रनिंग स्टेज पर जाएगा तब उसे उस वैल्यू के बारे में पता चलेगी कि ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है रीड ऑनली के रिस्पेक्ट से, लेकिन जैसे ही आपने अपनी मशीन पर कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ लिखी तो आपके कंपाइलर को पता है कि ये वैल्यू फर्दर आगे चेंज नहीं हो सकती, और फिर उसके बाद हमने उसकी वर्किंग और जो उसका प्लेटफॉर्म है वर्किंग के रिस्पेक्ट से वो हमने प्रैक्टिकली भी करके देखा कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट से कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है, और उसके बाद उसकी वैल्यू यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के बिहाफ पर विजिबल भी करवा कर देखी।